गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने मैथ में टॉपिक शुरू किया हुआ था, HCF, LCM, HCF हम कर चुके हैं और LCM में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हैं। और अब जो LCM में हमारा है जो लीएस्ट कॉमन फैक्टर में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो होगा शॉर्ट डिवीजन मेथड। जैसे कि HCF में शॉर्ट डिवीजन मेथड था, ऐसे ही LCM में भी शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है। बट इनमें जो डिफरेंस होता है वो ही आज बताया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 60, 75, 80 एंड बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। 60, 75 और 80 का जो एलसीएम फाइंड करना है, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ शॉर्ट डिवीजन मेथड। जैसे 60 था, 75, 80 था, मैंने सबसे पहले इनको छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करना होता है। जैसे कि मैंने 2 पे किया 30, 75 वो नहीं होता 2 पे, तो जैसे रहेगा 40 और 80 हो गया 40 भी, ठीक है। तो 2 पे 15 हो गया, 15 2 जा 30 होता है, 75 नहीं होता, 22 जा 40 होता है, ऐसे ही। फिर मैंने 2 पे किया, 15 नहीं होता, 75 नहीं होता, 20 हो गया, 10 पे हो गया, ठीक है। 2 पे फिर किया मैंने, 15 आ गया, 75 नहीं होता तो 5 आ गया, ठीक है। अब देखो इनमें से कोई भी 2 पे नहीं होगा। अब कौन से 2 से आगे कौन सा नंबर होगा, 3। अगर 3 पे होगा तो 3 पे करेंगे, अगर 4 पे होगा तो 4 पे करेंगे। तो ये किस पे होंगे, 3 पे। 3 5 जा 15, 3 25 जा 75, 5 नहीं होता 3 पे, ठीक है। तो ऐसे रहेगा। उसके बाद 5 पे करो इन तीनों को, 5 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 पे फिर 1 1 1, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या आगे इसके, ठीक है, मल्टीपल आगे इसके, सॉरी फैक्टर्स आगे, ठीक है। तो अब इनको क्या करोगे, आप क्या करोगे, इन सभी को ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लोगे, सभी को लिखना आपने। अब इसमें आपने किसी को छोड़ना नहीं है। जैसे कि HCM में कुछ छोड़ छोड़ देते थे, इसमें किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो आप इन सभी को लिख के मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 आ गया, 48 5 जा 4, 8 5 जा 5, 8 जा 44, 8 4 5 4 जा 20, 20 और 4 240, ठीक है। अब 240 को 5 बज गया, तो 5 पे करोगे, 240 को 5 पे 0, 5 2 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10, 10 और 2 12। तो हमारा जो एलसीएम कितना हो गया, इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम हो गया हमारा वो आ गया 1200, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। तो आपने क्या करना है कि इनको, इन नंबर्स को डिवाइड करते जाना है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करना है, फिर जब तक वो चलेगा उसको करते रहना, उसके बाद उससे बड़े पे, उससे बड़े पे, ठीक है। ये होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड कि एलसीएम कैसे फाइंड किया था शॉर्ट डिवीजन मेथड से। उसके बाद एक सम और लिया है जो आपके उसमें एक्सरसाइज में है, जो काफ़ी बड़ा था तो मैंने वही करवा दिया। तो ये था फाइंड द एलसीएम ऑफ 1134, 1344, 1512, ठीक है। तब इनको मैंने जैसे डिवाइड किया 2 पे, जैसे कि ये देखो ये क्या होगा, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो मैंने पहले इनको 2 पे डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है 2 पे, ये हो रहा है और ये हो रहा है, तीनों हो रहे हैं। तो मैंने इनको 2 पे किया। अब देखो फिर 2 पे किया तो ये नहीं हो रहा, तो इसको मैंने छोड़ दिया, नहीं होगा तो ये ऐसे ही चलेगा जब तक नहीं होगा। तो जब तक ये होंगे तो इनको करते रहना है 2 पे, जैसे मैंने ये किया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ तक ये 2 पे नहीं हो रहा था, तो अब मैंने इसको किस पे किया, 3 पे, तो 3 पे भी नहीं हो रहा, सॉरी 3 पे तो होगा, 2 पे नहीं हो रहा था। अब देखो 3 पे किया, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 8 जा 24 और 2 बच गया, 3 9 जा 27, ठीक है। इसके ऐसे ये किस पे होगा, ये 3 पे होगा, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3
एट जहाँ जो ये भी होगा 3 पे और ये भी होगा। अब देखो इन ये आगे फिर 3 पे होंगे, 3 पे ये हो गया, अब ये नहीं होता 3 पे 28, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उसके बाद ये हो गया, अब आगे 3 पे ये हो गया और ये नहीं होगा और ये हो गया, ठीक है। अब के 4 पे कर दो इनको, 4, ठीक है, 7 नहीं होगा 4 पे, ठीक है, तो 7 का 7 आ गया। अब 28 को 4 पे करोगे तो 7 4 28 होता है, 7 का 7 आ गया, ठीक है, तो ऐसे ही कर दिया। उसके बाद अब 4 पे किया था, 7 पे करोगे, 7 1 7 7 7 1 7 7 1, तो इस तरह इसको पूरी तरह इनको शॉर्ट डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो ये वाले नंबर हैं इनको नीचे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। जैसे ये लिखे हुए हैं, जैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 48 3 जा, तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 48 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 2 144। अब देखो अब ये 3 हमने कर दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये हो गया, अब ये दोनों 3 3 3 या 9 होता है, तो इसको मैं सीधा 124 को 9 के साथ कर दूँगा। 9 4 जा कितना, 9 4 जा 36 3 9 4 जा 36 और 3 9 3, कैरी आएगी हमारी 9 1 जा 9 3, 1296 आ गया। तो अब देखो 1296 आ गया जो हमारा, इसको हमने किस पे किया, 4 पे कर लो, 4 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 और 2 38 3, 4 2 जा 8 और 3 11 1 4 1 जा 4, तो कितना बच गया, 1 तो उधर था, तो 5184, 5184, तो ये था। अब इसको 7 पे करोगे, 8 4 जा 28 2 8 7 जा 56 और 2 58 5 8 1 जा 8 5 7 1 जा 7 और 5 12 1 बच गया, 7 5 जा 35 और 1 36, तो हमारा ये आ गया एलसीएम 36288, ठीक है, 36288। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपके ये डिवीज़न सही होगी तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये सब मैं आपके, ठीक है, ये करने हैं, ये सब मैं करवा चुका हूँ 6 नंबर, तो बहुत इजी है ये शॉर्ट डिवीज़न मेथड, ठीक है, थैंक यू।